प्रदेश में अप्रैल व मई माह में आयोजित की जा रही 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 52 परीक्षा केंद्रों को देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सेवी सावित्री बाई फुले के नाम पर बनाया गया है। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों में अधीक्षक उपाधीक्षक भी महिला अध्यापक ही तैनात होंगी। हमीरपुर जिला में भी 6 स्कूलों के परीक्षा केंद्रों को सावित्री बाई फुले के नाम पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हमीरपुर शिक्षा उपनिदेशक दिलवरजीत चंद्र के अनुसार जिला हमीरपुर में 6 परीक्षा केंद्र तैयार करवाए हैं जिनमें परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों में केवल महिला अध्यापक ही तैनात किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो 14 तारीख को बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उनमें हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बोर्ड ने 52 यानी 52 परीक्षा केंद्र ऐसे बनाए हैं जो सोशल वर्कर और फर्स्ट लेडी जो टीचर थी सावित्री बाई फुले के नाम पे केंद्र वो बनाए गए हैं। और हमारे जिला हमीरपुर के अंदर भी 6 परीक्षा केंद्र ऐसे बनाए हैं जो सावित्री बाई फुले के नाम से जिनको जाना जाएगा इस बार के जो एनुअल एग्ज़ाम हैं। इनमें हमारे पास झिलारड़ी एक सेंटर है, डिडवी है, बॉयज़ हमीरपुर है, पट्टा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिप्पर है। ये ऐसे सेंटर हैं जिनमें सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और स्टाफ दूसरा जो भी होगा वो लेडीज़ स्टाफ वहाँ का काम करेंगे। ये प्रबंध बोर्ड ने कर दिया है और पूरे प्रदेश की जो लिस्ट है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। अच्छा, अभी जो नए दिशा निर्देश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में जो एक आपातकालीन बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि सभी जो शिक्षण संस्थान हैं, सभी स्कूल हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो 4 तारीख तक बंद रहेंगे। टीचर्स जो हैं वो उसी तरह से स्कूलों में आते रहेंगे। रिजल्ट बच्चों को ऑनलाइन 31 तारीख को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हैं उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचेगा, और वही बच्चे स्कूल में आएंगे जिनके एग्ज़ाम चले हैं। यानी विशेषकर हमारे अगर देखा जाए तो प्लस टू के जो एग्ज़ाम हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो चले हैं। तो इसके अतिरिक्त सभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हमीरपुर जिला के अंदर और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो हमारे सरकार के आदेश हैं उनके मुताबिक स्कूलों में ना बुलाएं, और जैसे ही आगे कोई इसमें बदलाव आएगा तो सूचित कर दिया जाएगा पूरे जिला। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झिलारड़ी, डिडवी टिक्कर बाल स्कूल हमीरपुर, कोट स्कूल और टिप्पर स्कूल शामिल हैं, जिनमें सावित्री बाई फुले के नाम पर परीक्षा केंद्र तैयार करवाए गए हैं, जिनमें अप्रैल और मई माह में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।